मस्जिद नबवी की तौहीन का जुर्म साबित। सऊदी अरब में 6 पाकिस्तानियों को सजाएं, 3 को 10-10 साल जबकि 3 को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिमान पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद। नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के 6 नागरिकों को सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने सजा सुनाई, जहां पर इन 6 नागरिकों का ये जुर्म था कि उन्होंने मस्जिद नबी में जाकर ऐसी हरकत की जो कि वहां नहीं करनी थी, जहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ माथा टेकने के लिए मस्जिद नबी के पास गए थे। वहीं पर इन नागरिकों ने उनका विरोध किया था और ऐसे ऐसे नारे लगाए थे कि वो वहाँ पर नहीं लगाने चाहिए थे। कुछ ने तो शहबाज शरीफ के काफिले को भी रोकने की कोशिश की थी। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया ने इन सबको अरेस्ट कर कन्विक्ट कर दिया, जहाँ पर 6 में से 3 लोगों को 10 साल की सजा और 20,000 रियाल का जुर्माना भरना होगा और बाकी 3 को 8 साल की सजा और 20,000 रियाल का जुर्माना भरना होगा उन्हें भी। पाकिस्तानी मीडिया में ये आ रहा है कि ये सब पीटीआई के वर्कर थे जो इमरान खान के बोलने पर वहां जाकर शहबाज शरीफ का विरोध कर रहे थे। ये पाकिस्तान की हुल्लड़बाजी तब खत्म होगी जो हर एक देश मर जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाक कट जाए। जहां पर आज हर एक देश पाकिस्तान के नागरिकों को सिटीजनशिप देने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि ये कब क्या कर बैठेंगे कोई नहीं बोल सकता। वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमराह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ अफराद ने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। सऊदी अरब की हुकूमत ने मामले पर एक्शन लेते हुए 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमराह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे थे, जहां उन्होंने इफ्तार की नमाज मगरिब अदा की। यहां मौजूद कुछ लोगों की जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और नारेबाजी भी की गई, जिस पर सऊदी अरब की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने 13 रुकनी वफ्द के हमराह मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा इफ्तार किया और साथ ही साथ नमाज मगरिब अदा की गई। इस दौरान कुछ लोगों की जानिब से यहां पर नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, नारेबाजी की गई। खबर है जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ और बड़ी ही शर्मनाक खबर है, बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि किसी दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तानी गिरफ्तार हो जाए। यानी पाकिस्तानियों को हुल्लड़बाजी करने पर और हंगामा करने पर और कोड ऑफ कंडक्ट जो किसी एक जगह का होता है उसको धर्म भरम करने के ऊपर सजाएं दी जाएं और कई हज़ार रियाल सजा दी जाए और जुर्माने हों और कैद की सज़ा दी जाए। ये क्या वाक्या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। खबर क्या है? खबर यह है कि मस्जिद नबवी की तौहीन का जुर्म साबित होने पर जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 6 पाकिस्तानियों को सजाएँ सुना दी हैं। अब ये केस क्या था, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले की बात है कि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई नहीं मान रही इसको लेकिन सब जानते हैं कि उस वक्त यहाँ के जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो और हुकूमती लोग वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे और उन्होंने इन सब के ख़िलाफ़ हुलड़बाजी की, इनके पीछे पीछे वो भागे और चोर डाकू लुटेरे, वही जो एक नैरेटिव चलता है पीटीआई और इमरान खान का, वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर ये सब किया गया और इसकी वीडियोस वायरल हुई। ये एक बहुत बड़ा केस बन गया। उससे पहले हमें ये पता चला था कि पाकिस्तानियों को वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसी जुर्म पर, और जब ये पता चला गया इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर उनको पहले पकड़ा गया, और अब खबर ये है कि सिफारती ज़राए के मुताबिक, ठीक है, जो सिफारती ज़राए हैं उसके मुताबिक 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद और 3 को 8-8 साल की कैद सुनाई गई है। यानी उनको 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल के लिए जेल भेज दिया गया है और 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल के लिए जेल भेजा गया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अथॉरिटीज़ का ये फैसला है, और इसके साथ ये भी है कि मदीना मुनव्वरा की जो अदालत है उसने इन अफराद पर 20,000 रियाल 20,000 रियाल जुर्माना भी फाइन कर दिया है और उनके मोबाइल जो हैं वो भी ले लिए, कॉन्फिस्केट कर लिए उनके मोबाइल।
ये बहुत शर्म की बात है। जो लोग हैं, मैं उनके नाम, खैर नाम रहने देते हैं, नाम नहीं बताते, क्योंकि ऐसे लोगों के नाम जो हैं वो क्या करेंगे हम बता के। आई सब हर जगह पब्लिश हो रहा है, सबको पता चल रहा है, लेकिन आप ये देखिए इसका जिम्मेदार कौन है, ये पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करवाने वाला कौन है। अब पूरी दुनिया में जो इसकी खबर पब्लिश हो रही है और जो इसके ऊपर बात की जाएगी, वो क्या बात की जाएगी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के शहरियों ने वहाँ पर मस्जिद नबवी में इतनी बदतहजीबी की है। देखिए, एक तो इसको इस तरह देखा जाता है ना कि ये मामला है कि आपने इतनी मुकद्दस जगह जाके, जो आप समझते हैं एक मुसलमान के लिए जो सबसे मुकद्दस जगह है, उस जगह पर जाकर आपने ये हरकतें की।